जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप के सामने लगा होगा कि दिल्ली पुलिस के वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल्स दूंगा, कैसे इसका एग्जाम हुआ था और जो प्रीवियस परीक्षाएं आयोजित कंडक्ट हुई थी उसका कट ऑफ क्या गया था। तो एक बार परीक्षा 2016 में कंडक्ट हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ये परीक्षा कंडक्ट हुई थी 2020 में, और आप जाके 2023 में फिर से दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आपके सामने है। 7000 प्लस वैकेंसीज इस बार आपके सामने आई है बच्चे, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। अब तक के इतिहास में दिल्ली पुलिस के सबसे बड़ी वैकेंसीज आपके सामने है कांस्टेबल की। तो देखिए मिशन वेरी वर्दी, हम कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी और हमारा पूरा संस्थान आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज की शुरुआत कर रहा है, जिसमें आप यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमल फीस में। फीस क्या ये कह लीजिए कि हमारा प्रिंट आउट का भी उसे पैसा नहीं निकलेगा। तो आप सबके लिए हमने ये फैसला उठाया है, फैसला लिया है सर। आइए बात करते हैं। अगर आप देखेंगे इस यहाँ पे ये स्लाइड में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। भैया दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस लेवल पे होता है, कैसे होता है, बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली पुलिस में एग्जाम होता है उसमें चार सेगमेंट होते हैं। एक पहला सेगमेंट है वो जीएस का है, दूसरा सेगमेंट रीजनिंग का आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सेगमेंट मैथमेटिक्स का, और चौथा सेगमेंट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए ध्यान दीजिएगा, अब समझिए कि जीएस में आपके सामने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं 50 क्वेश्चन, यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही जीएस का है, यानी जीएस का वेटेज जो है बच्चे वो ज्यादा है। उसके बाद हम रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में का क्वेश्चन जो है 25 है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 15 है, और कंप्यूटर का जो बच्चे वो क्वेश्चन है वो कितना है, 10 है। अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो भैया टोटल क्वेश्चन जो आता है वो 100 क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स मेरे प्यारे बच्चे। आइए बात करते हैं आगे। अगर आगे आप देखेंगे तो 2016 की जो वैकेंसीज थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 2016 की वैकेंसीज आपके सामने है। 2016 में कुल 7100 वैकेंसीज रिलीज हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, और कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। और यहां पर एक चीज और था कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नकारात्मक कोई भी अंक नहीं था। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे अगर आप देखेंगे तो इसका कट ऑफ जो गया था वो यूआर का गया था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो गया था वो 76 मार्क्स गए थे, 76 नंबर गए थे। और इधर देखेंगे मेल की बात मैं कर रहा हूँ, मेल ओबीसी के अगर आप देखेंगे तो 76 नंबर आपका कट ऑफ गया था, और एससी का 70 और एसटी का 74। एसटी ज़्यादा कट ऑफ गया है एससी से, क्योंकि मीना लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे और वो एसटी कैटेगरी में आते हैं और वो सारी वैकेंसी ग्रैब करते हैं, इसलिए जो है कट ऑफ एसटी का ज़्यादा जाता है एससी से। अच्छा, फीमेल की अगर बात करेंगे हम तो फीमेल जो है 2016 में यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 66 नंबर गई थी, 66 मार्क्स यानी 66 मार्क्स गई थी। ओबीसी की अगर बात कर ले हम लोग तो मेरे प्यारे बच्चे ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 62 गया था, 62 नंबर, एससी का 56 नंबर, और एसटी का मेरे प्यारे बच्चों 61 नंबर कट ऑफ गया था। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सिनेरियो 2016 का है। 2016 में थी, उसके बाद कहीं जाकर 4 साल बाद एक फिर वैकेंसी आई। कब आई मेरे प्यारे बच्चे? 4 साल बाद वैकेंसी आई 2020 में, कुल पद 5800। ध्यान दीजिएगा, अब 2020 की कहानी क्या रही कि कुल पद आई 5800, इस बार नेगेटिव मार्किंग था। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कटाप थोड़ा सा कम चला गया था। ध्यान दीजिएगा, यूआर का ये फाइनल कटाप बता रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये फाइनल कटाप है यूआर की। अगर आप बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यूआर का जो कटाप गया था मेल का वो 72.20545 गया था। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था वो 62.51, 62.51484। ओबीसी का 68.39087 और एससी का 57.00582। ये मेल्स का कट ऑफ है बच्चे, और ये सारी कैटेगरी का कट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम अगर बात करें फीमेल्स की, अगर हम कट ऑफ देखें तो बच्चे फीमेल की कट ऑफ देखिए 56.722, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया था बच्चे 44.93919, और ओबीसी का देखेंगे तो 53.40351, और एससी का 45.54194। ये रही 2016 का पूरा डिटेल कि कौन सी वैकेंसी रिलीज हुई थी और कितना कितना कट ऑफ गया था मेरे प्यारे बच्चे। अब हम आगे आपको और बात करते हैं, आगे बताते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, अब 2023 में कहीं जाकर फिर से एक वैकेंसी आई है। आगे का पता नहीं, 24 में चुनाव है,
कब वैकेंसी आएगी, 4 साल 5 साल 6 साल बाद, कोई आइडिया नहीं है। इस बार अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, आपकी भी जॉब लग सकती है। उसके लिए आपको आना होगा हमारे कैडेट पॉइंट डिफेंस अकेडमी संस्थान में और एनरोल कराना होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस में। आइए बात करते हैं 7547 ये वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम देखेंगे तो ये डिटेल्स हैं 2023 में फिर से 7547। मैं फिर से आपको बता दूं कि अब वैकेंसी कब रिलीज होगी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे जान लगा दो, जान जुटा दो। आ जाइए फिर आगे और देखते हैं ये क्या रहा, ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। अब देखिए एज लिमिट की कुछ बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2023 में जो वैकेंसी आई है इसके लिए एज लिमिट जो है क्यूआर कैटेगरी का 18 से 25 साल, ओबीसी का 18 से 25 साल और SC ST का 18 से 30 साल, ध्यान दीजिएगा। और आगे सैलरी की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिल्ली पुलिस में जो सैलरी टेबल तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पैसे के लिए तो सब कुछ है। तो 45,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको मिलती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस बेरोजगारी में बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास है, अगर आप लोग चाहें तो दिल्ली पुलिस में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और अपने लोगों का सेवा कर सकते हैं एज अ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद फिर आगे भी आप जो है उसमें प्रमोशंस वगैरह ले सकते हैं और आगे आप आगे भी जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये रहा दिल्ली पुलिस की सारी सारा का सारा डिटेल, बहुत जल्दी हम लोग वेटेज पे और बहुत जल्दी ही आपको हम इस पे वीडियो लेके आएंगे, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा अच्छे से, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा यानी टॉपिक सब सेगमेंट वाइज, यानी मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा और जीके और कंप्यूटर और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, वेटेज कितना कितना रहेगा, उन सब पे जल्दी ही वीडियो हम आपके पास सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ गुड नाइट, जय हिंद, सब बखैर।